हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल्स कुकिंग पॉइंट। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने मैश कर लिया है। दो उबले हुए आलू, आलू को भी मैंने मैश कर लिया है। दो बड़े चम्मच क्रीम, बटर, कसूरी मेथी, 16 काजू, नमक स्वाद के अनुसार, दो छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक तेज़पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, एक छोटी इलायची, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो मिर्च बारीक कटी हुई, 5 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। कोफ्ते तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम करी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच तेल, बटर, बटर मेल्ट हो गया, इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, कटी हुई अदरक, अब इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही लाइट हो जाए। प्याज हल्का भुन गया, अब इसमें डाल देंगे टमाटर, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, टमाटर को भी हल्का सा भून लेंगे, इसमें डाल देंगे सारे मसाले, मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 सेकेंड बस। डाल दूंगे इसमें काजू और थोड़ा सा पानी, ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। पनीर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर और आलू मिक्स हो गया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच नमक और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, सबको अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर प्याज अच्छे से गल गया, मसाला तैयार हो गया। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं।
कोफ्ते की शेप आप अपने हिसाब से ओवल साइज़ या गोल या लंबा जैसे बनाना चाहें वैसे बना लें। सारे कोफ्ते तैयार हो गए, इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, अब कोफ्ते इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम कम ही रखेंगे और ऊपर से ऐसे तेल डालते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे सेक लेंगे। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। सारे कोफ्ते ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो गए, मसाला भी ठंडा हो गया। अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक स्मूथ पेस्ट बन गया, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पेस्ट को हम छान लेंगे, छानने से जो मसाले के रेसे वगैरह हैं वो निकल जाएगा और करी बिल्कुल क्रीमी बनेगी। पेस्ट अच्छे से छान लिया, रेसे थे उसके ये सब निकाल लिया, अलग कर लिया। अब इसको पका लेते हैं। इसे चलाते हुए एक उबाल लगा लेंगे। ग्रेवी में उबाल आने लगी, इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक। नमक बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि मसाला बनाते समय भी हमने नमक डाला था, कोफ्ते में भी नमक था, तो थोड़ा सा नमक। थोड़ी सी चीनी, मसाले के टेस्ट को, टमाटर के टेस्ट को सारा बैलेंस करने के लिए छोटा आधा चम्मच चीनी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसमें अब डालेंगे क्रीम। ग्रेवी तैयार हो गई, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, करेंगे प्लेटिंग। कोफ्ते को करी में नहीं पकाना है, हमेशा कोफ्ता अलग, करी अलग, कोफ्ते के ऊपर ही करी को डालें। कोफ्ते को करी के साथ अगर पकाएंगे तो ये फट जाएगा करी में, इसलिए हमेशा कोफ्ते के ऊपर से करी डालें।
डाल लेंगे ऊपर से थोड़ी सी क्रीम, ऊपर से धनिया के पत्ते, मलाई कोफ्ता तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।